मैं ऑडिबल बेटा। हाँ यस सर। खेल पारी देर बेटा। यस सर। तो लास्ट लेक्चर हम लोग बेसिकली डिफरेंट केसेस कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। डिफरेंट केसेस कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। एक हमने डिसोसिएशन ऑफ H2O2 किया था, याद है? ठीक है, इसका डिटेल्ड डिस्कशन हमने किया था। फिर एक हमने किया हुआ था डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, हाँ सर। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। फिर एक हमने प्रेशर चेंज मेथड भी किया था। इसके अलावा और कुछ किया था क्या बेटा? नहीं यही तीन किए थे ना। आज एक केस और करेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि जो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर पाते हो कि नहीं। लिखा बेटा क्वेश्चन। हाँ अब इस क्वेश्चन को तुम देखो। इस क्वेश्चन में कहता है द गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए गैस गिविंग टू बी गैस प्लस सी गैस इज ऑब्जर्व टू बी फर्स्ट ऑर्डर ओवर द एक्सेस ऑफ लिक्विड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इट इज फाउंड दैट आफ्टर 10 मिनट्स द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 188 टॉर एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इट इज 388 टॉर। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। छोटी सी बातों का ख्याल रखना है। देखो, अगर आंसर आप फाइनली निकाल भी लें तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा, उसने पूछा है आपसे पर आर में। हाँ, नॉर्मली हम पर सेकेंड में निकाल लेते हैं आंसर को। चल, तो ऑफ कोर्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, दिया भी हुआ है, यूनिट से भी पता चल रहा है रेट कॉन्स्टेंट की। तो ये बेसिकली वो प्रेशर चेंज वाला मेथड हमने किया था ना, उससे करेंगे तो हो जाएगा। देखो, ये अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा कि हम लोग इनिशियल नॉर्मली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स में डील करते हैं, यहाँ प्रेशर डायरेक्टली लिखेंगे। तो आप इनिशियली कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने पी नॉट ले लिया है ना, इसको 0 0 ले लेते हैं। फिर एट टाइम टी ले लेते हैं। देखो, एट टाइम टी हम लोग इसको कर लेते हैं पी नॉट माइनस लेटर से पी। अब 1 गिविंग 2 है तो पी विल बी गिविंग 2 पी। 1 गिविंग 1 है सी के लिए तो पी विल बी गिविंग। अब इसमें अगर देखो ना, लिखा है ना आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। देखो आप, मैंने जो केसेस लिखा है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ बेटा? व्हेन टी इनफाइनाइट टेंड टू, हाँ, इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पर चला गया, तो जैसे ही टी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये 0 हो जाएगा ना, और ये जो पी नॉट है ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो 2P0 हो जाएगा। 1:1 है तो ये पी नॉट बन जाएगा, है ना। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है, हम फटाफट क्वेश्चन में देखते हैं और दिखाई दिया कि हमारा टोटल प्रेशर जो है 10 मिनट्स में 188 है, तो जो टी है वो 10 मिनट्स हमने ले लिया माल। अब 10 मिनट्स में प्रेशर क्या करोगे आप? इनको ऐड कर दोगे, राइट ना? तो आप फटाफट करोगे ऐड 10 मिनट्स, तो हमारा जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो कितना लिख देंगे हम लोग? पी पी नॉट नॉट प्लस माइनस पी टी
प्लस टू पी प्लस पी, एम आई प्लस करेक्ट? टू कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। हाँ, लेकिन एक छोटी सी इसमें मिस्टेक हो जाएगी। क्वेश्चन अच्छा है, आप ध्यान से देखो, इसने क्या बोला था? ओवर एक्सेस ऑफ लिक्विड वाटर, यानी कि यहाँ पर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हैं। तो जब आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, तो ये जो 188 आपको यहाँ दिख रहा है ना, इसमें वाटर वेपर्स भी हैं, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसे उसमें डिसोसिएशन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 28 दिया है ना, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस बिफोर यू पुट हियर 188। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 188 माइनस 28। क्या मेरी बात समझ में आई आप सबको? या तो आप लेफ्ट हैंड हाँ साइड में वाटर वेपर का प्रेशर ऐड कर दो और तब 188 लिख दो, या फिर जो 188 दिया उसमें से वाटर वेपर हटा दो और फिर जो बचा हुआ प्रेशर होगा वो इन इन सब्सटेंसेस की वजह से होगा। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 160 है ना, टॉर लिख देते हैं। अच्छा, एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले केस में हम क्या लिख देंगे बेटा? टोटल प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा? 2P0 + P, इसको ऐड कर देंगे तो ये 3P0 हो जाएगा। लेकिन क्या मैं इसको फटाफट 388 लिख दूं? व्हाट शुड आई राइट नाउ? वापस माइनस करना पड़ेगा 20। हाँ, 388 माइनस 28 कितना बचेगा बेटा? सही है। हाँ अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या वैल्यू आएगा बताओ मेरे को? P और P0 की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं? कितना आएगा बेटा P एंड P0? P0 तो यहीं से आ गया, कितना आ जाएगा? 120। मेरे ख्याल से सही निकाला मैंने। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये देखो ये तो P कैंसिल ही हो गया था, ये P0 120 है, उधर जाएगा तो ये 40 बच जाएगा, तो 2P हो जाएगा 40, तो P की वैल्यू हो जाएगी 20 टॉर। सही है? एनी कंफ्यूजन? नहीं। अब आप फॉर्मूला लगा दो, आपके पास फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या के इज इक्वल टू, अच्छा 2.303 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको क्योंकि ln में वैल्यूज दी हुई है, तो वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट। ऑल्दो आपको वैसे तो याद होगा log 2 log 3, लेकिन वो बेस 10 वाला, बिकॉज वो दे रखा है तो हम क्यों करें उसको। तो ये हो जाएगा 1/T और मैं लिख दूंगा ln। अब यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिखेंगे बेटा? फॉर्मूले में तुम्हारा, बिकॉज 10 मिनट्स में देखना है ना, तो P0 / P0 - P। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 1/10। खास बात ध्यान रखना बेटा, ये पर मिनट वाला केस आने वाला है, हाँ, जो मैंने शुरुआत में ही तुम्हें थोड़ा सा बताया था। और P0 की वैल्यू तो 120 रख दो, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसकी वैल्यू निकालो आप, देखो कितनी आती है। ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा, और कितना बचेगा ये? इसको तो 4 × 3 करके लिख दोगे, फिर 2 ln 2 हो जाएगा, प्लस ln 3 माइनस ln 10। ln 10 की भी वैल्यू दी हुई है ना, तो ये मेरे ख्याल से 1/10 और 2 ln 2, ln 2 तो 0.7 दिया है, तो 2 ln 2 हो जाएगा 1.4, प्लस ln 3 हो जाएगा 1.1 माइनस ln 10, दैट इज 2.3। तो ये तुम्हारा निकल कर आएगा 2.5 माइनस 2.3, यानी कि ये हो जाएगा 0.2, तो ये 0.2 निकलेगा। देख लो 0.2 सही है, और डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये 0.02 हो जाएगा पर मिनट होगा। मेरे ख्याल से ये तुम सबको क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? इसके बाद बिकॉज
आर करना है ना, तो मिनट तो वैसे ही डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 0.60 कर देंगे तो ये हो जाएगा पर आर। कितना हो जाएगा ये वैल्यू बेटा, मेरे ख्याल से 1.2 से मैच कर जाएगा ना। एनी कंफ्यूजन? अच्छे से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो और प्रॉपर सोल्यूशन लिख दो, ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे एग्जाम। एक बार हमने एनालिसिस कर ली प्रेशर चेंज मेथड की, अब तुम्हें ये करना आना चाहिए। एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क नाउ। यस सर इसमें जो प्रेशर दिया हुआ है टोटल, जैसे 188 हो गया, फिर 388 हो गया, फिर इसमें से हमने 28 माइनस क्यों किया, एक बार फिर से बता सकते हो? बिकॉज जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है ना, यानी कि इस एनवायरनमेंट में वाटर भी दिया हुआ है, तो वो उसका भी तो प्रेशर काउंट हुआ उस 188 और 388 में, जबकि हमें केवल ए बी और सी सब्सटेंसेस के प्रेशर्स की जरूरत है, तो हमें वाटर वेपर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हर बार जब मेजरमेंट ली गई हमारी। तो 188 जब मेजरमेंट ली, उसमें से जब H2 हटाओगे तो आपको ए बी सी का प्रेशर पता चलेगा। 388 में भी वही चीज आपको करनी है, 28 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझे? ओके सर, समझ गए। दीस थिंग्स यू मस्ट राइट, अपने नोट्स में अच्छे से लिखो बेटा। हाँ सब लोग, क्योंकि ये एक छोटी छोटी एरर भी जो है ना, स्वयं कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है तुमने?
आई रिमूव दिस? यस एक सर। मिनट, यस सर, थैंक यू। अब बिकॉज ये तुम्हें अभी समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन को देखो बड़ा आंसर निकाल पाओगे क्या? कॉन्सेंट्रेशन टर्म को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया समय। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऐसे मिसलिनियस क्वांटिटी के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला दिया था। उपाय अपना मेथड जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और आंसर जो है वो आप चाहो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो।
विगो ने देखो भेजा आंसर या अपना प्रोसेस भेजा, और कोई? इंगुन ने भी आंसर भेजा। चल अभी मैं डिस्कस करूं क्या? अभी हाँ सर, देखो सबसे पहले क्या करना है बेटा तुम्हें, जो अभी मैंने प्रोसीजर अच्छे से समझाया वो अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया उसमें यही था, आपको जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, दी हुई है, उसको लिख लो। और क्या करना है तुम्हें बेटा, इनिशियल। अब इसमें इनिशियल कोई टर्म मेंशन किया है क्या? नहीं किया है ना, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लें, पी नॉट, सही है। और फिर क्या करेंगे बेटा, एट टाइम टी, क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पी कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2p, और ये p, बिल्कुल भाई प्रीवियस केस वाला प्रोसीजर ही तो है। और वेन टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2p0, ये कितना हो जाएगा बेटा, p0। कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो अभी इतने में कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं। अब आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि पीटी टाइम पर इफ द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी वॉज पीटी, अच्छा टाइम टी पर तो पीटी दिया हुआ, टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पी इन्फिनिटी दिया है, तो क्या क्या करेंगे इनको ऐड करके। इसमें देखो वाटर का प्रॉब्लम भी नहीं है, क्या मेरी बात समझ रहे हो, तो स्ट्रेट आप इसको लिख दोगे पीटी, और 3p0 की वैल्यू लिख दोगे, ये 3p0 की वैल्यू लिख दोगे सीधे सीधे पी इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास सबसे पहले तो पी नॉट की वैल्यू आ गई पी इन्फिनिटी के टर्म्स में, क्योंकि ऑप्शंस में वही लिखा हुआ है ना, और इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तो कैंसिल हो गया, तो पी की वैल्यू आपको आ गई, पी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, पी टी माइनस पी इन्फिनिटी अपॉन 3 अपॉन ये 2 था तो 2 डिवाइड कर दो, इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 PT माइनस पी इन्फिनिटी अपॉन 6। कोई कंफ्यूजन है बड़ा, सब सही जा रहा है, देख लो चेक कर लो, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, मैंने गलती की आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। चलो अब इसमें फॉर्मूला लगा देना है बेटा, k इज इक्वल टू 2.303 T लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी, यही दो तो रखना होता है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 है यहाँ पर, हाँ, और पी नॉट की वैल्यू है पी इन्फिनिटी अपॉन 3, और पी नॉट माइनस पी की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी इन्फिनिटी अपॉन 3, और ये बन जाएगा 2 PT माइनस पी इन्फिनिटी अपॉन 6, ये पूरा एक साथ है, ठीक है, इसको अब 6 अगर एलसीएम लेंगे ऊपर तो 2p0 हो जाएगा, ये तो वैसे ही हट गया, देखो 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ये 2p∞ हो गया, और यहाँ पर जब जाएंगे तो 2 इसमें भी आएगा, और यहाँ पर एक प्लस p∞ यानी 3p∞ बच रहा है, माइनस यहाँ पर जाएंगे तो फिर ये 2 3 3 PT हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p∞ माइनस, फिर 3 कॉमन ले लोगे तो मेरे ख्याल से सी से मैच कर जाएगा। एनी कंफ्यूजन? तो हम चेक कर लो अच्छे ढंग से बेटा, ये आइडियली देखोगे तो एक्चुअली में प्रीवियस क्वेश्चन से आसान है ये, इसमें वाटर वेपर भी कंसीडर नहीं किया है। चलो
राइट, चेंज द पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ बेटा। हाँ सर, इसको देखो, थोड़ा सा अलग सा है, बट हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशंस किए हैं, परहैप्स यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, खाली कंफ्यूज मत होना। रिएक्शन सबसे पहले लिखना और ध्यान देना, उसने टाइट्रेशन के लिए रिएजेंट जो आर लिया है ना, वो आर इन ए बी और सी से रिएक्शन करता है, ठीक है। उस टाइम पे एन फैक्टर्स देखो ये दिए हुए, 1:2:3 रेशियो, और ये रिएजेंट्स के मोल्स हैं जो कंज्यूम होते हैं, टाइम टी पर इतना और इन टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे N2, और रिएजेंट तीनों से रिएक्शन करता है, ए से भी, बी से भी और सी से भी। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। पूछ पा रहे हो? देखो कहता है ना, वो कह रहा है टाइट, ये रिएक्शन प्रोग्रेस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन ऑफ रिएजेंट। इफ ऑल एबीसी रिएक्टेड विद रिएजेंट हैव एन फैक्टर्स इन दिस रेशियो, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन लो, जैसे मान लो कि HCl है ए, तो बी मेरा काइंड ऑफ H2SO4 जैसा हो जाएगा एन फैक्टर 2 के साथ, इसका 1 हो गया समझ लो, ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन, ऐसा है नहीं ये सब।
और एक ले लो H3PO फॉर इमेजिनरी सिचुएशन। अब अगर HCl जो है उसके लिए रिएजेंट तुम्हारा मान लो NaOH है, तो बिकॉज इसका N फैक्टर 1 है, इसके लिए NaOH केवल एक ही चाहिए होगा। H2SO4 के लिए कितना चाहिए होगा? टू। दो H3PO4 के लिए कितना चाहिए होगा? थ्री। ये इसीलिए N फैक्टर दिया हुआ है। वो नंबर ऑफ मोल्स इन रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है उसका रेशियो दिया हुआ है। देखो आपने कुछ ऐसा किया क्या? सबसे पहले तो इक्वेशन लिखा होगा, है ना? और ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है। अगर मैंने यहाँ पर इनिशियली इनिशियल अपने को तो मालूम नहीं है यहाँ पर, तो इनिशियली कुछ भी एज्यूम कर लोगे, लेट अस से एन मोल्स हैं इसके, या एन क्या ए मोल्स ले लेते हैं ना, ए मोल्स हैं, ये जीरो जीरो हो गया। एट टाइम टी हम लोग क्या लिखने वाले हैं बेटा? ए माइनस एक्स। अभी यहाँ कोफिशियंट तो दिया नहीं है, इसको एक्स तुमने लिख दिया, इसको एक्स लिख दिया, एंड व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जीरो हो गया, ये ए और ए हो गया। कोई डिफिकल्टी बेटा? अब लेकिन ध्यान क्या रखना है बेटा आपको, कि यहां पर आपका जो रिएजेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए, आपको ए प्लस बी प्लस सी नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना इस बात का। अब मेरे को ये बताओ कि अगर तुम्हारा ये जो ए है ये रिएजेंट जब से रिएक्शन करेगा, तो बिकॉज इसका एन फैक्टर 1 है, तो उतने ही मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी जितना ये दिया हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं लिखूंगा एट टाइम टी जो मोल्स रिक्वायर्ड होंगे रिएजेंट के वो कितने होंगे? मोल्स ऑफ रिएजेंट ए और एक्स के टर्म्स में क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स आएगा, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है, बी का एन फैक्टर 2 था, ध्यान से देखो, तो बी का एन फैक्टर अगर 2 है और बी के एक्स मोल्स दिए, तो रिएजेंट के कितने रिक्वायर्ड होंगे? 2x। जैसे मैंने अभी यहां समझाया था H2SO4 के एग्जांपल के बेसिस पे कि हमको दो NaOH की जरूरत पड़ेगी एक H2SO4 के लिए, तो अगर x H2SO4 है तो कितने NaOH की जरूरत पड़ेगी? 2x। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब सी सी का एन फैक्टर कितना यहां दिख रहा है? देखो 3 दिया हुआ है, समझ लो। तो सी के अगर एक्स मोल्स है, मतलब H3O4 का एक मोल है, तो NaOH कितनी जरूरत पड़ेगी उसको? How many moles of NaOH will be consumed? 3x। ये बात समझ में आई बेटा? स्वयं समझ में आ रही है चीजें? देखो हाँ सर, फिर भी एक बार वापस बताएं। बिकॉज ऐसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए मैंने क्या किया है कि अलग से एग्जाम्पल लगा लिया है कि HCl H2SO4 पर H3, अपने को साफ साफ समझ में आ रहा है एन फैक्टर 1 है 2 है 3 है। तो मैं केवल ये बता रहा हूँ कि HCl बिकॉज इसका एन फैक्टर 1 है, उसके एक मोल के लिए एक ही एनएच की जरूरत पड़ेगी,
जबकि H2SO4 के 1 मोल के लिए 2 NaOH की जरूरत पड़ रही है, H3PO4 के लिए 1 मोल के लिए 3 NaOH की जरूरत पड़ रही है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर जब ए रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो रिएजेंट के केवल उतने ही मोल्स की जरूरत पड़ेगी जितने इसके दिए हुए, जबकि बी के जितने हाँ मोल्स दिए उसका डबल हमको चाहिए होगा रिएजेंट, सी के जितने मोल्स दिए उसका ट्रिपल रिएजेंट चाहिए होगा, और ये टोटल अपने को दिया हुआ है N1। क्या मेरी बात समझ में आई? समझे हाँ ना? अब इतना अपने को पता चल गया। दूसरी चीज, जब इनफाइनाइट टाइम देखा तो N2 दिया है, उस टाइम पे क्या लिखोगे? ये तो 0 है, ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, ये कितना रिएक्शन कर, इसके लिए कितना रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी? 2A, तो इसके लिए कितने रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी? 3A, थ्री ये तुम्हारा आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? अब दो इक्वेशन, दो अननोन है, मतलब तुमको ए ए तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं N2/5। क्या तुम एक्स की वैल्यू भी निकाल पाओगे N1 N2 के टर्म्स में? और क्योंकि वो आते ही तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, बिकॉज तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, तो ये बस के इज इक्वल टू वही कर दोगे, 1/T ln रखना है, और यहाँ इनिशियली तुम्हारे पास ए दिया है, a/a-x ही तो करना है। एक बार जरा ट्राई करो बेटा, अब हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ तुम लोगों का आंसर क्या आता है मुझे बताओ बताओ। हाँ ये बस लास्ट लेक्चर में जो हमने एनालिसिस की, जिसमें हम कंसंट्रेशन के बदले दूसरे टर्म्स यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम यूज कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर यूज कर रहे हैं, है ना, तो मिसलिनियस क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, तो हमें नया और जो फॉर्मूला भी लिखना आना चाहिए। ये सब उन्हीं क्वेश्चन, उन्हीं टाइप के बेस्ड क्वेश्चन है बता। वेरी गुड कुंदन बेटा,
सबने सोच लिया बेटा, केवल वहां पर सब्स्टिट्यूट करना था आपको। मेरे ख्याल से सबने लगभग आंसर निकाल लिया। सी इज द राइट आंसर। हाँ मैं एक और केस लेने जा रहा हूं बेटा। ये हटा दूं बेटा क्वेश्चन वाला पेज। सर चल अभी इसमें फोर्थ केस डालिएगा बेटा, जिसमें हम ऑप्टिकल रोटेशन मेथड लिखे। अब इसमें थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व। ऑप्टिकल रोटेशन मैप पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखो C12 H22 O11 ये सुक्रोज है ना, ये सुक्रोज है। इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है ना, इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो करीब करीब होता है 66 पॉजिटिव में। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ये एक्सेस में रखते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको मॉलिक्यूलैरिटी दो दिखाई देगी बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी वन, बिकॉज जो दूसरा कंपोनेंट है वो एक्सेस में प्रेजेंट है। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, ये उसका एग्जाम्पल ही समझ लो ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड होता है और यहाँ पर आपने लिख दिया C6H12O6, यहाँ पर ग्लूकोज लिख दिया मैंने, प्लस C6H12O6 ये फ्रुक्टोज है। तो बेसिकली जो सुक्रोज है वो हाइड्रोलाइज होने पे आपको ग्लूकोज दे रहा है और फ्रुक्टोज दे रहा है। ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो है +52.5 डिग्री और जो फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन है वो है -92 डिग्री। मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक में हमने ये चीज कर रखी है। ऑप्टिकल रोटेशन का तुम्हें आइडिया है राइट नाउ कि भाई हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है याद है ना, जिसमें इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं, जिसमें वाइब्रेशंस होते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, फिर उसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो बदल जाती है किसमें, प्लेन पोलराइज लाइट में। फिर हम जो सब्सटेंस होता है उसके थ्रू हम जब PPL पास करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, तो PPL यानी प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है वो रोटेट कर जाता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे हम लोग उस सब्सटेंस को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या लेवो रोटेटरी कंपाउंड बुलाते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव बोल देते हैं। तो यहाँ सुक्रोज भी ऑप्टिकली एक्टिव है बट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है प्लस ऑप्टिकल रोटेशन। यहाँ ग्लूकोज भी ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रुक्टोज भी ऑप्टिकली एक्टिव है और लेवो रोटेटरी है। क्या इतनी बात समझ में आई? पहली चीज हम ये समझ लेते हैं ये इन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं केन शुगर। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, पॉजिटिव।
लेकिन जब प्रोसेस हो जाता है तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन देखो कितना निकल कर आ रहा है, नेगेटिव। निगेटिव। अगर केन शुगर का ऑप्टिकल रोटेशन तुमसे पूछा जाएगा तो -92 +52.5/2 कर देना, याद रखना। हाँ, तो एवरेज निकलता है, तो इसमें निगेटिव हो रहा है, इसीलिए यानी प्लस से माइनस हो रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, इसीलिए हमने ये टर्म यूज किया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? कोई कंफ्यूजन? अब इसमें क्या करना है बेटा कि हमें नहीं मालूम है कि इनिशियली जो है ऑप्टिकल रोटेशन किस वजह से वगैरह वगैरह, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मतलब रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगा क्या, तो हाँ बोलेंगे सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगा, वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मान लीजिए कि स्टार्टिंग में, लेट अस से स्टार्टिंग में या 0 लिख देते हैं या 90 लिख देते हैं, यहाँ पर कितना 180 आएगा ना, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में ऑप्टिकल रोटेशन जो है लेट अस से आर नॉट है, ठीक है, स्टार्टिंग में ऑप्टिकल रोटेशन आर नॉट है, और टाइम टी पर जो है वो मान लेते हैं कि आर टी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं। और मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम पे ये आर इंफिनिटी हो जाता है, कोई कंफ्यूजन? तो जो भी चेंज हो रहा है, जो चेंज होगा ना, आप इस चेंज को विजुलाइज करो, इस चेंज को विजुलाइज करो, दैट चेंज इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। डू यू एग्री? द चेंज इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर इनिशियल अमाउंट जैसे ए है, फिर ए माइनस एक्स है, इनफाइनाइट टाइम पे तो ये यहाँ 0 हो गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ऑप्टिकल रोटेशन टाइम टी पर हमने देखा वो इस डिसोसिएशन की वजह से है, यानी ये जो चेंज दिख रहा है आर नॉट से आर टी, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चेंज, यस और नो? यहाँ चेंज हुआ तो वहां चेंज हुआ, कैन आई से एक्स प्रोपोर्शनल टू लाइक आर नॉट माइनस आर टी, या फिर आर टी माइनस आर नॉट लिख सकते हैं? क्या इतनी बात समझ में आई मैडम? क्लियर है ये चीज? और जब पूरा डिसोसिएट हो गया, यानी टाइम टी टेंड्स टू इंफिनिटी लिख दिया हमने, तो उस टाइम पर जो चेंज होगा दैट विल बी आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी। इतनी बात समझ में आई? एंड दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है जो मैं लिख रहा हूं? क्लियर है? आप बस इतना ध्यान दो कि इधर जो रिएक्शन हुई, इधर जो चेंज हुआ उसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हुआ, इधर एक्स का चेंज हो रहा है, उधर ऑप्टिकल रोटेशन आर नॉट माइनस आर टी हो गया, इधर पूरा का पूरा चेंज हो गया, इधर आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? आप फॉर्मूला लगा दो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 2.303/t log base 10। हम लोग ए लिखेंगे तो ए के बदले क्या लिख देंगे बेटा, आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी अपॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तुम्हारा आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर ए टी माइनस, माइनस तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर इंफिनिटी। समझते हो ना बेटा? ये कोई कंफ्यूजन? इसको नोट कर लो बेटा।
मतलब इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन। हाँ, आर नॉट तब हमने मेजर किया जब स्टार्टिंग में डिकम्पोजिशन नहीं शुरू हुआ था। अच्छा देखो बेटा, कॉपी कर रहे हो ना? डन, हटा दें इसको। एक चलो, शुड आई गिव यू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस? यस देखो, इसको अटेम्प्ट करो बेटा। तो वो एच प्लस लिखा है ना। हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लास्ट में 11 डिग्री सेल्सियस। -11 डिग्री लिखना चाहिए। ये हो जाती है मिस्टेक। पूछ लिया बेटा। अच्छा एक तो आ ऐसा जाना है क्या? चाहिए। वो चैट बॉक्स में डालो। सर हेलो। वो ऐसा करना है क्या कि स्टार्टिंग के तो दोनों में सेम ही रहेगा, तो के हम लोग सारी वैल्यूज करके पुट कर सकते हैं, और फिर सेकंड इसमें के सेम है और बस हमको पता है कि यस बिल्कुल सही है। पहले के निकाल लो, फिर दूसरी बार में जब वो कह, अच्छा ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा कि उस टाइम इनिशियल और पे फाइनल सेम।
नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब हो जाएगा उस टाइम पे आरटी का वैल्यू जीरो ले लेना है। नहीं अच्छा समझे बाबा, मैं इनएक्टिव का मतलब क्या है? हाँ, जीरो। हाँ सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, दैट मीन जीरो, आरटी का वैल्यू जीरो ले लो उस टाइम पे, वही टाइम निकालना है तुम्हें। तो जी आर नॉट माइनस आर टी जीरो होना चाहिए ना, इनिशियल और फाइनल सेम ऐसा। आर नॉट माइनस, नहीं, डिफरेंस तो नहीं, वो कह रहा है कि उस मोमेंट पे जो तुमने मेजर किया वो अच्छा जीरो हो। रोटेशन ही जीरो है। हाँ, ऑप्टिकल रोटेशन जीरो है ना, डिफरेंस तो तुम दिखाओगे कि हाँ ये जो चेंज हुआ एक पर्टिकुलर वैल्यू से जीरो तक, ये डिसोसिएशन की वजह से हुआ, ये हाइड्रोलिसिस की वजह से हुआ। सब लोग इस फॉर्मूले को यूज करो बेटा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10। अभी हम लोगों ने निकाला है आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन आर, कितना था ये बेटा, आर नॉट था कि आर इन्फिनिटी था? यहाँ पर हाँ ये आर टी माइनस आर इंफिनिटी। आर टी माइनस आर एन। ठीक लॉग साफ 11 कितना पर? साफ साफ यहां पर आर नॉट की वैल्यू देखो दी हुई है, आर आर नॉट की वैल्यू दी हुई है और तुम्हें आर इन्फिनिटी आरटी की वैल्यू दी हुई है ना, हाँ और आर 30 मिनट्स की भी वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 19। 19 डिग्री दी हुई। इसकी मदद लेकर के तुम क्या निकाल सकते हो? के, के और फिर अगली बार में आर नॉट फिर से 34 डाल सकते हैं, आर इन्फिनिटी फिर से 11 डाल सकते हैं, लेकिन अब की बार आर टी कितना लेना है? जीरो। जीरो, और वहां से टी की वैल्यू निकाल लो। तो अभी तो लॉग आंसर इलेवन है, कितना होता है? इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ रही है बेटा। लॉग इलेवन लॉग 11 मतलब बेस 10 वाला ना, हाँ अप्रॉक्सीमेट निकाल दो। log 12 तुमको आता है, 2 log 2 plus log 3, अप्रॉक्सीमेट हाँ निकाल सकते हो। log 12 का जो भी वैल्यू आएगा उससे थोड़ा कम होगा और 1 से ज्यादा होगा। देखो 1.04 में भी। इसने बता दिया 1.041 ले लो।
लिया अभी। वेरी गुड गुनगुन। माय आंसर कितना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ सर, एक मिनट। के की वैल्यू देखो तुम्हारी आएगी मेरे ख्याल से 1.35 इंटू 10^-2 अगर निकालोगे, हाँ है हाँ ना। वही है। और हाँ फिर जो टाइम आना चाहिए वो तुम्हारा यहाँ सब्सटीट्यूट ही करना है, तुम्हें तो कुछ और करना ही नहीं है। तो इसमें एक्चुअली में 103.7 मिनट आ जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में लिख कर रखिएगा बेटा। हाँ अभी मैं इसको हटा दूँ। वो मुझे आस 102.35 आवा। ठीक हाँ तो अप्रोक्सीमेट आंसर लगा दो जो तुम्हारा है। ठीक है चल। एज आई वॉज टेलिंग यू कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, तो चलो हेडिंग डालो बेटा। हाँ इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा। सम हायर ऑर्डर रिएक्शंस, सम हायर ऑर्डर रिएक्शंस शो और कैन बी मेड टू शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी तुम्हें दिया था। देखो C12 H22 O11 H2O। अगर मैं इसमें कैटलिस्ट नहीं भी लू ये ग्लूकोज ये फ्रुक्टोज, अगर देखने भर से अगर तुमको बोला जाएगा तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा मॉलिक्युलैरिटी कितनी है, 2 है राइट ना। तो मतलब अगर मैं नॉर्मल तरीके से सोचूं तो जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन
वो दोनों सब्सटेंसेस पे डिपेंड करना चाहिए, मतलब आई शुड राइट आर इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12 H22A11 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो देखो पावर तुम्हारा 1:1 यानी ऑर्डर 2 ले लिया हमने यहाँ पर, बट हमने क्या किया यहाँ पर कि ये जो H2O दिया हुआ है इसको एक्सेस में रखा। ऑफ कोर्स सॉल्वेंट है बाबा, सॉल्वेंट होगा तो एक्सेस में ही होगा, क्या मेरी बात समझ में? एक्सेस में होने का मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट हो गया। कैसे हो गया भाई? जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें विजिबल है। अब मान लीजिए तुमने इसके 5 मोल्स लिए हैं और इसके 10 लाख मोल्स ले लिए, अभी उसका 5 से तुम 5 का आधा कर दो यानी 2.5 मोल्स रिएक्शन में भेज दो और 5 लाख्स में से भी 2.5 जाएगा, 1:1 है, तो कितने का चेंज हुआ वाटर में? निग्लिजिबल, कॉन्स्टेंट ले लिया हमने उसको, यानी कि इसको और इसको मिला के हम एक के डैश लिख सकते हैं, क्या मेरी बात समझ में आई? तो हाँ सर, हमारा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया बड़ा? 1। बाय। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इनवर्जन ऑफ केन शुगर, लिख लो बेटा। सर आपने इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कैसे फाइंड की? टू दो दिख रहे हैं ना रिएक्टेंट, वही ओके मॉलिक्यूलैरिटी, कितने ओके ओके ठीक है रिएक्टेंट दिख रहे हैं वही मॉलिक्यूलैरिटी हो गई। ओके सर। दिख गया बड़ा? हाँ यस सर। सर। अब इसमें एक और एग्जांपल, जैसे देख हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 सी डबल बॉन्ड O C2H5, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, तो
तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको अच्छे से लर्न करेंगे हम लोग। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है, ये हिस्सा एल्कोहल बना देता है और ये हिस्सा एसिड में कन्वर्ट। दैट मीन्स एक कंपाउंड मिल जाएगा CH3COOH और एक कंपाउंड मिल जाएगा C2H5OH। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस है, ये सॉल्वेंट है, ये एक्सेस में रहने वाला। अगर हम नॉर्मल सिनेरियो से सोचें, मतलब अगर सब सारी मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करता, तो मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या लिख देता? मैं लिख देता CH3COOC2H5 का कॉन्सेंट्रेशन, H2O का कॉन्सेंट्रेशन एंड H+ का कॉन्सेंट्रेशन। क्या देख पा रहे हो बेटा? पावर देखो, वन 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 दिखाई दे रही होगी। कितना ऑर्डर होना चाहिए था? थ्री। जी अब इसको एनालाइज करते हैं कि हमने किया क्या है इसमें। ये तुम्हारा एक्सेस में है, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो और ये जो कैटलिस्ट है, ये तो वापस आ जाएगा ना, रीजनरेट हो जाएगा, गया। तो फिर ये भी हमारा खत्म हो गया। यहां से ये दोनों चीजें खत्म कर दी हमने। अब हमारे पास K- लिख दो इन सबको मिला करके, और ये केवल CH3COOC2H5 बच गया। पावर इज वन एंड दैट इज वाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज वन। तो इसको हम लोग सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल। क्लियर है बेटा? तो एक रिएक्टेंट जो है एक्सेस में डाल दिया, ऑटोमेटिकली दूसरा जो है वो ऑर्डर डिसाइड कर दिया। कॉपी कर लिया बेटा? चलो, यस सर। ये पार्ट भी हमने फिनिश किया। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ बेटा, आज क्वेश्चंस का ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। दिखा क्वेश्चन बेटा, इसको अटेम्प्ट करो, इस बार आंसर सही सही आ जाना चाहिए।
इस बार हो पा रहा है? हाँ वेरी गुड बेटा। चल देखो, मेरे ख्याल से इसमें फिर से तुम्हें उसी फॉर्मूले की जरूरत है और क्वेश्चन का स्टाइल भी वही है। सबसे पहले हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी बेटा? के की वैल्यू, के इज इक्वल टू 1/t। आप 2.303 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ln दिया है तो हम ये नहीं लिखेंगे, है ना। के इज इक्वल टू 1/t कर देंगे, ln यहाँ लिख देंगे आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। वैल्यूज रख दो यहाँ पर, है ना। आर नॉट की वैल्यू 44 डिग्री दिए, आर 70 मिनट्स पे दिया हुआ है 16.5, आर इन्फिनिटी की वैल्यू दी हुई है -11। इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, के की वैल्यू आएगी। फिर जब अगली बार जाएंगे तो आर नॉट, तो अब भी आप 44 ही रखेंगे। आर टी की वैल्यू 0 रख देंगे, आर इन्फिनिटी अब भी -11 रखेंगे। के की वैल्यू ऊपर से रखेंगे, आपको टी का वैल्यू आराम से आएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सी है। कोई नो कंफ्यूजन? सर। चलो अभी मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊं। हाँ
ये आंसर आ जाना चाहिए बेटा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आंसर आ रहा है, बताओ एक मिनट, वेरी गुड गुन्नू। एक्सप्लेन कर दूं मैं? सर 2 मिनट। सर मिलीमीटर ऑफ एचजी में रखा तो चलेगा, क्यों कन्वर्ट करके ही चलेगा। आंसर निकालना है, ऑप्शंस हैं। अगर वो यूनिट कैंसिल हो रही है तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे ख्याल से फॉर्मूले में जब तुम रखोगे 80 2.303 / k log कैंसिल होगा, log के अंदर वाले जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यूनिट्स है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ सर, आ गया, ले जाओ। वेरी गुड सर।
सबसे पहले तो तुम्हें एक क्वेश्चन लिखना है। हाँ अब यहाँ क्या क्या दिया है बेटा, कैसे लिखेंगे हम लोग? वही पुराना स्टाइल है ना, इनिशियल आप एज्यूम कर लो, लेट अस से पी नॉट है ना, प्रेशर ही तो दिया है सब। एट टाइम टी पी नॉट माइनस एक्स, ये एक्स, या पी नॉट माइनस पी कर दो तो ये पी पी हो जाएगा। एंड और क्या दिया है बेटा? इनिशियल और टाइम के पे दोनों पे प्रेशर दी। दिया ही है, तुम्हें कुछ और करना ही नहीं है ना, इनिशियल भी तो दिया ही है ना ये। और थ्री, इसको ऐड करने से कितना आ रहा है बेटा? पी नॉट प्लस पी इज इक्वल टू 350, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? तो बहुत ही हाँ जी आसान निकला है ना, फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, के इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 मिनट्स। 40 लेकिन किसमें? ऑप्शन सेकेंड्स में है, तो क्या कर दोगे? 60 से मतलब नीचे डिवाइड। सही है क्या? हाँ उसके बाद लॉग यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी, यानी कि ये हो जाएगा 200 अपॉन 200 माइनस 150। सही है क्या? बस हाँ ये तो बहुत ही आसान हो गया, मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें आंसर निकालने में। और इसका आंसर सी दिया हुआ, क्लियर है? अब हाँ सर। वापस इधर आते हैं। एक्चुअली अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की हम लोग बात करने वाले हैं। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, जिनको सिंपल रिएक्शंस कहते हैं, जो वन स्टेप की रिएक्शंस होती हैं, द दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। उनकी काइनेटिक्स को पढ़ना है, उसमें अलग अलग केसेस हैं। जैसे हम बात करेंगे पैरेलल रिएक्शंस की, पैरेलल रिएक्शंस की, पैरेलल रिएक्शन या कंपीटिंग रिएक्शन इनको कहते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कॉन्जिगेटिव रिएक्शंस की, ये सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का पार्ट है। इसके अलावा हम बात करेंगे रिवर्सिबल या फिर अपोजिंग रिएक्शंस की, थोड़ी बहुत बात करेंगे चेन रिएक्शंस की। ठीक है, ये डिस्कशन हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही रखते हैं है ना, नहीं तो ये बीच में चीजें छूट जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली कॉम्प्लेक्स काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का डिस्कशन हम लोग करने वाले। और मैं तुम्हें अभी व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना? वो क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है? हाँ सर, चलो अभी रेस्ट करो। बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू बाय, सर, बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर।